आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां घर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर मुख्तार का शव देर रात पहुंच गया। देर रात पैतृक निवास पर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। माफिया मुख्तार अंसारी का शव देर रात उनके पैतृक आवास पहुंच गया। सुबह 10 बजे आज उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। कड़ी छावनी में गाजीपुर को तब्दील कर दिया गया है। भाई अफजाल अंसारी समेत परिवार के कई लोग मौजूद हैं। तकरीबन 10 बजे का वो समय बताया गया है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। फिलहाल देर रात मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार के पैतृक आवास पहुंचा है। और आपको बताते चले कि यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से 28 की देर रात को मौत हो गई थी। उल्टी की शिकायत, बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत की, उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी को वो नहीं बचा पाए। पूर्वांचल का बड़ा गैंगस्टर और साथ ही साथ राजनीति में भी दमदार रसूख रखने वाला गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी का शव अब उसके पैतृक आवास पहुंच चुका है। देर रात पैतृक आवास उसका ये शव पहुंचा है, जिसे 10 बजे तकरीबन सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी का भाई उनके साथ मौजूद है और इसके साथ ही परिवार के कई लोग भी शव के साथ मौजूद है। तो मुख्तार के शव को सड़क के रास्ते पुश्तैनी घर गाजीपुर रात तकरीबन 1:15 पर लाया गया, जहां आज 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। तो कालीबाग कब्रिस्तान बीते दिन से ही पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव देर शाम निकला, जिसके बाद अब आज सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को सुपुर्द-ए-खाक करने का कार्यक्रम निर्धारित है। पुश्तैनी घर गाजीपुर रात तकरीबन 1:15 के करीब मुख्तार का शव पहुंचा है, जिसे आज सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसी बीच मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा डीएम को पत्र लिखा है और मांग की है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। तो लगातार ये मांग भी मुख्तार के बेटे उठा रहे हैं कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई और प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट ही मौत की वजह बताई गई है। और आज तकरीबन 10 बजे सुबह सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है गाजीपुर में, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने की भी बात कर रही है। पूरा इलाका छावनी बन चुका है और प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। और मुख्तार का शव देर रात उसके पैतृक आवास पहुंचा। पैतृक निवास में लगातार लोगों की भीड़ भी देखने को मिली, देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। इस दौरान मुख्तार के पैतृक आवास पर किस तरीके से उसके समर्थक जुटे रहे, ये तस्वीरें बता रही हैं। भाई अफजाल अंसारी समेत परिवार के कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। और आज 10 बजे का वो समय बताया गया है जब कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। और परिवार के लोग लगातार इस पूरे मामले पर प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और धीरे धीरे जहर देने की थ्योरी भी लगातार सामने आ रही है। स्लो पॉइजन की थ्योरी भी लगातार सामने निकल के आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले ही खुद की हत्या की आशंका जाहिर कर चुका था। परिवार के लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्तार की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ नहीं हुई है, मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो वही इस पूरे मामले पर अभी भी सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। पवन गाजीपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। फिलहाल मौजूदा वक्त की तस्वीरें कैसी हैं, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, किस तरीके से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि परसों मुख्तार अंसारी मौत की सूचना के बाद से ही गाजीपुर जिला प्रशासन में आया, उनके पैतृक आवास के लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि मुख्तार अंसारी के चाहने वाले इतने थे कि उनकी भीड़ बेकाबू हो गई और खुद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को लोगों के बीच में आना पड़ा, उन्हें अपील करनी पड़ी कि आप लोग यहाँ से भीड़ हटा लीजिए, जब उनका जनाजा निकाला जाएगा तो उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। आपको बताते चले कि कल बांदा से
मुख्तार अंसारी शाम 4:54 यानी 5 बजे के आसपास बांदा से चले, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बांदा से गाजीपुर की दूरी 400 किलोमीटर है, तो 7 से 8 घंटे में आने लग सकता है। तो करीब 1:30 बजे अपने पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही उनके पैतृक आवास पर काफी भीड़ देखी जा रही थी। और साथ में हम आपको ये भी बताते चले कि उनके साथ एम्बुलेंस में उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी मुख्तार अंसारी के साथ ही एम्बुलेंस से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है, यानी कि पूरे तरीके से चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन देखिए पवन, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, लाजमी है कि आज भी मुख्तार की मौत पर जो सियासतदान है वो अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। अब सुपुर्ते खाक किया जाएगा, तो क्या कोई नेता भी इस वक्त अलग अलग पार्टियों का मौजूद है या किसी के आने की आशंका है? बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे कि कल मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे गाजीपुर 7 विधानसभा है, जिसमें 4 विधायक जो है मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि श्रद्धांजलि लगातार जो विपक्षी दल के नेता है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब आज सुपुर्ते खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, तो अफशा अंसारी भी पहुंचेंगे क्या? इसको लेके क्या जानकारी है, क्योंकि वो लगातार फरार है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे, अफशा अंसारी की तो ना आने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि वो फरार है और ऐसे में जिला प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पे है, तो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं आना चाहिए कि अफशा अंसारी भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होंगी। बिल्कुल, अभी भी इस पे लगातार संशय बरकरार है, क्योंकि फरार हैं और मुख्तार अंसारी की पत्नी है। लेकिन जैसा कि लगातार हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आज 10 बजे का वो समय है जब माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्ते खाक किया जाएगा, समर्थकों की भीड़ कैसे जुटी हुई है पवन? क्योंकि लगातार दिन चढ़ रहा है और 10 बजे अब से कुछ ही घंटे बाद मिट्टी में मिल जाएगा पूरी तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी, तो समर्थकों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? हम आपको बताते चले, जब से मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना यहाँ के लोगों को, स्थानीय निवासी लोगों को मिली है, तब से ही इनके पैतृक आवास पर भीड़ देखी जा रही है। और ये सिलसिला आज तीसरा दिन है, आज भी, जबकि आज इनको सुपुर्दे खाक होना है, तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हम आपको ये भी बताते चले कि अब्बास अंसारी ने यहाँ आने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, तो मेंशन नहीं हो सकी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो 10 बजे का जो टाइम दिया गया है, इससे पहले मुख्तार अंसारी ने एक ट्वीट किया था कि मुख्तार अंसारी को आज 1 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि कल सवेरे 10 बजे इसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि मिट्टी की एक नमाज होती है, वो नमाज मात्र 5 मिनट की होती है, इसके बाद ही मुख्तार अंसारी को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां उनका खानदानी कब्रिस्तान बताते हैं लोग, वहीं से उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पवन, पूर्वांचल का एक बड़ा गैंगस्टर था जिस पर हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज है, हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। ऐसे में जिस तरीके से योगी सरकार लगातार हुंकार भरती थी और योगी सरकार तमाम बड़ी बड़ी बातें करती थी कि माफियाओं का राज खत्म होगा, और इस मामले पर लगातार सियासत हो रही है कि स्लो पॉइजन दे के मारा गया है। जब मुख्तार अंसारी की पहली बार तबियत खराब हुई, अब्बास अंसारी ने ये मीडिया के सामने बयान दिया था कि मेरे भाई को जान का खतरा है, उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, डॉक्टरों से भी मिलना चाहा था, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की पहली बार तबियत खराब हुई थी, जब उनके हालत में सुधार हुआ, तब अब्बास अंसारी ने ही मीडिया को बयान दिया कि अब उनके हालत में सुधार है और वो फिर से दोबारा जेल पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बाद भी उमर अंसारी ने लगातार सवाल उठाते रहे कि हमारे पिताजी को साजिश की जा रही है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, देखिए पवन, लगातार लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और मुख्तार अंसारी का जो शव है वो उसके पैतृक आवास पर रखा गया है। इस वक्त कौन कौन मौजूद है पैतृक आवास पर? हम आपको बिल्कुल बताते चले कि मुख्तार अंसारी के साथ और साथ में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी और पैतृक आवास पर पहले से ही शादी के स्थान पर अफजाल अंसारी मौजूद थे, निकहत अंसारी उनके भतीजे मौजूद थे, अनु अंसारी मौजूद थे, उनके भाई अफजाल अंसारी के भाई जो
छोटे भाई है सिद्दतुल्ला अंसारी भी सचिन आवास के ही मौजूद थे। देखिए पवन, पूर्वांचल का वो बड़ा गैंगस्टर जो पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, फिर उसकी एंट्री होती है राजनीति में, बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, लेकिन अब माफिया मुख्तार अंसारी, आज का सच, आज की हकीकत यही है कि वो उस दुनिया में नहीं है, तो क्या कहे कि आतंक के पर्याय का अंत हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस समय आप देख सकती हैं हमारे ठीक पीछे जो है जिला अधिकारी गाजीपुर आरता अखौरी और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह उनके सचिव आवास से आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और ठीक अब से किसी देर बाद डीएम आरिता अखौरी और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर जो है वो सचिव आवास मुख्तार अंसारी के पहुंचेंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे और सब उनकी मिट्टी। ठीक है, देखिए पवन, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तमाम तरीके की राजनीति हो रही है, स्लो पॉइजन देने की थ्योरी निकल के सामने आ रही है, इस पर गाजीपुर के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, हमने एक दो लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया है, लेकिन जैसे ही फिर से अगर बात होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है पवन, एक बार फिर से वो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, किस तरीके से फ्लैग मार्च की जा रही है, एक बार वो पूरी तस्वीर फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। उनका जनाजा जिस रूप से निकला जाएगा, वो जहां उनकी मिट्टी के लिए नमाज अदा की जाएगी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था खुद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर अपने हाथों में लिए हुए हैं कि कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि पुलिस अधीक्षक ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन पवन, आप इस वक्त जहां मौजूद है, आपकी लोकेशन से मुख्तार अंसारी का घर कितनी दूर है और क्या मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर सभी को जाने दिया जा रहा है कड़ी चेकिंग के साथ? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि कल रात से ही जब मुख्तार अंसारी का शव पैतृक आवास से उनके पहुंचा, उसके 3 घंटे पहले ही उनके आवास से करीब 50 मीटर और 100 मीटर दूरी पे ही बैरिकेडिंग कर दी गई। सिर्फ उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनके करीबी मित्र हैं, सिर्फ वही उनके आवास तक जा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, करीब 1 घंटे पहले सोहेब अंसारी जो उनके भतीजे हैं वो बाहर निकले और लोगों से अपील की कि आप लोग कृपया यहाँ भीड़ न लगाएं, जब सबको मौका दिया जाएगा उनको देखने के लिए। तो उनकी बात भी लोगों ने मानी और काफी हद तक कुछ भीड़ कम हुई, लेकिन उनके आवाज से भीड़ कम हुई है, लेकिन जिस रास्ते से उनको जाना है वहां पे लगातार भीड़ पड़ रही है। देखिए पवन, लगातार मुख्तार अंसारी इस बात का शक जाहिर करते थे कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 21 मार्च 2024 को मऊ के MPMLA कोर्ट को भी मुख्तार अंसारी ने एक प्रार्थना पत्र लिखा जिसमें स्लो पॉइजन का जिक्र किया गया है। आखिर मुख्तार अंसारी को ऐसा क्यों लग रहा था कि जेल के अंदर उसे मारने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये तक कहा था कि बड़े लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब रोपड़ से यूपी में आए थे, उसके ठीक कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी हत्या की साजिश की हत्या की साजिश बताया था। वो कुछ मामलों में वो डीसी से भी पेश होते थे, तबीयत खराब होने का भी वो हमेशा एक एप्लीकेशन दिया करते थे, हालांकि कोर्ट उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर लेती थी, लेकिन फिर भी उनको अपने हत्या की साजिश लग रही थी। लगातार उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद उनके भाई अफजल अंसारी ने भी एप्लीकेशन दिया कि उनकी तबीयत अगर खराब है तो अच्छे डॉक्टरों को दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि लगातार अपने साथियों की मौत की वजह से माफिया मुख्तार अंसारी को ये डर सता रहा था कि जेल के अंदर उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन बहरहाल आज की हकीकत और आज की सच्चाई यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी को आज 10 बजे सुपुर्ते खाक किया जाएगा। जहां पर सुपुर्ते खाक किया जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान में, वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कब्र तो कल खुद चुकी थी लेकिन देर रात चूंकि बांदा से उसका शव नहीं निकला था, यही वजह है कि आज जो है कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो कब्रिस्तान में कैसी तैयारियां चल रही हैं, परिवार के कौन कौन लोग आज कब्रिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे, इसको लेके क्या अपडेट है? जी बिल्कुल मुस्कान, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना यहाँ के लोगों को मिली
तो आपको बताते चले कि उनका खानदानी कब्रिस्तान कालीबाग स्थित माना जाता है और वहाँ पे पहले उनके पिताजी, उनकी माताजी और ठीक उनके बगल में ही मुख्तार अंसारी के लिए कब्र बनाई गई है। और ये करीब 11 बजे से ही कब्र खोदना शुरू हो गया था जो देर शाम 5 बजे तक चला। तो वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था के भारी इंतजाम किए गए हैं और जब मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान में जाएंगे तो उनके खास लोग ही उनके साथ कब्रिस्तान में जाएंगे। बाकी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस बल ने वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी है। देखिए पवन, लगातार इस मामले पर सियासत हो रही है, ये बात छुपी नहीं है कि 24 का चुनाव नजदीक है। लाजमी भी है कि हर एक छोटे छोटे से मुद्दे बहुत बड़े बन जाएंगे और चुनावी एजेंडे में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करेंगे। जिस तरीके से मुख्तार की मौत पर लगातार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्या 24 के चुनाव में मुख्तार की मौत एक बहुत बड़ा वोट बैंक विपक्षी दलों को दिलाने में कामयाबी मिलेगी, क्या क्या लगता है? जी बिल्कुल मुस्कान, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, अंसारी बंधुओं की अहमियत उस चुनाव में बहुत ही होती है, क्योंकि जिस कैंडिडेट पर ये लोग हाथ रखते हैं लगभग लगभग उसका जीतना तय माना जाता है। लेकिन आपको हम बताते चले कि छोटे से छोटे चुनाव का मतलब वो चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, अंसारी बंधुओं का पूर्वांचल में काफी दबदबा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा। देखिए मुख्तार अंसारी की मौत का असर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का रसूख था, लाजमी है कि वहां पर एक बड़ा वोट बैंक जो है हो सकता है कि विपक्षी दलों के पास जाने की कोशिश करे। ऐसे में क्या लगता है इसका सीधा फायदा किसको होने वाला है? चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी बंधु गाजीपुर में सियासत की है और अब जबकि मुख्तार अंसारी नहीं रहे हैं तो अभी भी आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो जनता की हमदर्दी है वो अंसारी बंधुओं के साथ रही है। फिलहाल कुछ दिन बीतने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकता है कि अभी चुनाव किस तरफ करवट लेगा या फिर जनता किसके साथ जाएगी। बिल्कुल पवन, हो सकता है कि सिंपैथी वोट के जरिए जो मुख्तार का परिवार है वो एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर ले, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन पवन, मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगी, तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को एक बार फिर से कि कैसे, क्योंकि लगातार समय करीब आ रहा है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो किस तरीके से वहां पर चहल पहल यूं कहे देखने को मिल रही है, पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन की गाड़ियां, लोग जो उनके चाहने वाले हैं लगातार उनके आवास के पास पहुंच रहे हैं और खुद गाजीपुर पुलिस अधीक्षक गश्त कर रहे हैं लगातार आवास से लेके कब्रिस्तान तक, जहां तक जहां से मुख्तार अंसारी का जनाजा निकलेगा, उसके बाद जहां उनके लिए नमाज अदा दी जाएगी, मिट्टी की नमाज अदा दी जाएगी, वहां तक खुद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से नजर आ रही है, लेकिन लोग भी आसपास मौजूद है। लोगों के लिए क्या एहतियात बरतने की उन्हें सलाह दी गई है आज पुलिस की तरफ से? बताते चले कि खुद मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी और एसपी आरए गाजीपुर लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग आवास के पास बहुत ज्यादा भीड़ न लगाएं, जब उनका जनाजा निकलेगा उसके बाद आप लोग साथ में चल सकते हैं और कृपया करके यहाँ पे भीड़ न लगा रही, ये बार बार हर एक घंटे पे अनाउंस किया जा रहा है, जो कि अभी तक मिट्टी का समय 10 बजे दिया गया है। लेकिन आपको अब हम ये भी बताते चले कि कल अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उनको अपने पिताजी का जनाजे में शामिल हो, लेकिन वो मेंशन नहीं हो पाया। और ये बताते चले कि अगर वो याचिका फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, अगर मंजूर हो जाती है, तो जो 10 बजे का टाइम है वो बढ़ा के कुछ और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो मुख्तार की मौत पर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, तो वहीं आज 10 बजे का वो समय है जब कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान उनके परिवार के कई सदस्य भी मौजूद रहेंगे
और साथ ही साथ पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो भीड़ ना लगाएं और पूरी तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। छावनी में पूरे गाजीपुर को तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन कैमरों से निगाहें रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाल लिया है, लगातार लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले पर लगातार जिस तरीके से स्लो पॉइजन की थ्योरी निकल के सामने आ रही है, उस एंगल पर भी लगातार जांच जारी है। और ऐसा लगातार मुख्तार के परिवार के हर एक सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया, क्योंकि 21 मार्च 2024 को मऊ की एमपीएमएलए कोच को मुख्तार अंसारी ने एक प्रार्थना पत्र भी लिखा था। ये पहली बार नहीं था कि मुख्तार को जेल में मारे जाने का डर था, वो पहले भी कई ऐसे पत्र लिखा है। लेकिन इस दौरान यह आरोप लगाया गया कि मुख्तार को जेल के अंदर पॉइजन यानी कि जहर देने की कोशिश की गई। उसके बाद अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो लगातार परिवार का हर एक सदस्य यह आरोप लगा रहा है कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और इसको एक नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये एक अननेचुरल डेथ है, क्योंकि स्लो पॉइजन देकर के मुख्तार को मौत के घाट उतारा गया है। तो 28 मार्च को गंभीर हालत में मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के सामने ही मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आता है और हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 9 डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन मुख्तार को बचाया नहीं जा सका और उसके शव को बांदा में ही काफी देर तक रखा गया। बांदा में ही पोस्टमार्टम हुआ मुख्तार अंसारी के शव का, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी का बेटा लगातार डीएम को पत्र लिखकर ये मांग उठाता रहा कि मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी का शव पैतृक आवास पे गाजीपुर में पहुंच चुका है। 10 बजे मुख्तार अंसारी के पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। हार्ट अटैक की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद भी किस तरीके से विपक्षी दल सियासत करेंगे ये देखना होगा। और आज जब सुपुर्द खाक किया जाएगा तो इस दौरान विपक्षी दलों का कौन कौन सा नेता मौजूद रहेगा, आज की तस्वीरें भी देखने वाली होंगी। साथ ही साथ क्या अफशा अंसारी सुपुर्द खाक की इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहेंगी या नहीं रहेंगी, तमाम कई ऐसे सवाल है जो लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड में भी शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही थी और अटकलें थी कि जब सुपुर्द खाक किया जाएगा तो शाइस्ता परवीन आएंगी, लेकिन शाइस्ता परवीन ने अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई। उसके बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, एक साल का वक्त बीत चुका है लेकिन प्रशासन के हाथ पूरी तरीके से खाली है। और आज भी एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है, माफिया दूसरा है, पत्नी अलग है, लेकिन सवाल एक है कि क्या अफशा अंसारी आज जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो उसमें शामिल होंगी या फिर वो भी लगातार फरार रहेंगी। मऊ से कमलेश भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कमलेश, इस वक्त जो गाजीपुर की तस्वीरें हैं उसको देख के साफ तौर पर यह लग रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मऊ में प्रशासन ने क्या तैयारियां की है कमलेश? जब मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना मिलते ही उसके बाद मऊ के प्रशासन हाई अलर्ट पे हो गई और कल जुम्मे के नवाज थी, उसके बाद भी प्रशासन पूरे दिन हाई अलर्ट थी। अभी प्रशासन जो है हाई अलर्ट पे ही है, जो मऊ को पूरे प्रशासन छावनी बनाकर बना चुकी है और तबलीब है। वहीं बता दें कि मुख्तार अंसारी की जब जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मऊ का प्रशासन जो एकदम हाई अलर्ट पे ही है और गाजीपुर उनके सहपति आ गया है, उसके बाद वहाँ तैयारियां चल रही है। उनके छोटे भाई, छोटे लड़के जो क्या नाम है अबू अंसारी जो है, उन्होंने कहा कि 10 बजे हमारे 10 बजे जो मिट्टी दफनाई जाएगी। बिल्कुल 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा कमलेश। लेकिन देखिए मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, ये वो क्षेत्र है जहां मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। अब मुख्तार अंसारी आज 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिस तरीके से परिवार वाले लगातार स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में मऊ की जनता क्या सोचती है इस मौत पर?
सही है मुस्कान जी कि बनारस और गाजीपुर मऊ में उनका बहुत काफी दबदबा था, जो उनके नंबर 786 जो नंबर था, उनके नंबर की गाड़ी आने से लोग कहीं ना कहीं डरते थे कि 786 नंबर आ गए, किसी ना किसी की उठा कर ले जाएंगे तो उनकी फिर लाश वापस ही आना है, क्योंकि जिंदा नहीं आना है, क्योंकि उनकी 786 जो नंबर थी जो आरटीओ में दर्ज नहीं, उनके खौफ की वजह से आरटीओ के नंबर जो 786 नंबर उनको दिया जाता था और लेते थे। और यहाँ देखा जाए तो मऊ में भी ऐसी कुछ नहीं है, जो अभी प्रशासन बहुत अलर्ट है और एकदम शांति व्यवस्था पर है। देखिए कमलेश, लगातार हम गाजीपुर से जो तस्वीरें देख पाए उसमें यही नजर आए कि जो मुख्तार अंसारी के समर्थक है वो एक बड़ी संख्या में उसके पैतृक आवास के बाहर मौजूद है, तो क्या मऊ से भी लगातार मुख्तार अंसारी के समर्थक गाजीपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? और जो एरिया है, तमाम जो जिस तरीके से लोग लगातार जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहां पर पुलिस ने कैसे अपनी नजरें बना के रखी है? देखा जाए तो मुस्कान जी, वही गाजीपुर में मऊ में भी तीसरी नजर से निगरानी रखी जा रही है, जो कुछ लोग मऊ से भी उनके समर्थक हैं जो गाजीपुर जा रहे हैं, और उनके समर्थक जो है वो जाना ही जाएंगे। वही मायावती ने भी ट्वीट किया और अखिलेश ने भी ट्वीट किया था, और बिहार के तेजस्वी यादव भी ने ट्वीट किया था कि जांच की जाए, क्योंकि ये हार्ट अटैक की नहीं हो सकता है, बाकी क्या है। बिल्कुल, धन्यवाद कमलेश उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्तार की मौत का क्या सच सामने आएगा, क्योंकि लगातार परिवार के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देके मारा गया है, गैंगस्टर माफिया और साथ ही साथ एक बड़ा नेता जिसने पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा और ऐसा कदम रखा कि वहां पर सिक्का चलने लगा, पूर्वांचल का जो एरिया है वो माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाने लगा। वो तस्वीरें भी सभी को याद होंगी जब खुले जीप में मुख्तार अंसारी तमंचा लहराए करते थे, एक वो भी दौर था जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने से लोग थर थर कांपते थे, माफिया मुख्तार अंसारी के एक फोन से लोग दुनिया के जिस कोने में रहते थे माफिया के बताए हुए लोकेशन पर जगह पर तुरंत पहुंचते थे, लेकिन आतंक का अंत होता है, ये बात बिल्कुल सच है। और देखिए आज आतंक एक पर्याय का अंत हो चुका है, जहां एक तरफ जेल प्रशासन के साथ ही प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि इस पूरे मामले में एक पूरी सोची समझी साजिश रची गई और साजिश के तहत मुख्तार अंसारी की मौत को एक नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की गई है। इस मामले पर लगातार जांच की मांग की जा रही थी, टीम गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी, लेकिन फिलहाल 10 बजे का वो समय है जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। और ये वो देर रात की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब माफिया मुख्तार अंसारी का शव उसके पैतृक आवास पहुंचा था, समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है उसके पैतृक आवास पर, किस तरीके से देर रात पुलिस का पहरा था। तकरीबन 1:15 बजे का वो समय बताया गया जो माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही पूरी मेडिकल टीम पहुंची, इसी एम्बुलेंस के अंदर माफिया मुख्तार अंसारी मौजूद था। वो माफिया मुख्तार अंसारी लगातार लोग यही कहते हैं कि उसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे, जब पूर्वांचल का जिक्र होता था तो माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र हमेशा हुआ करता था, लेकिन और अब उसी माफिया मुख्तार अंसारी को 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस मामले पर भी किस तरीके से सियासत हो रही है, पहले एक बार नेताओं के तमाम बयान सुनते हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आजादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए, मगर भर्ती नहीं कराया गया, तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं
ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज को मानते हैं? देखिए पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को सुते जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो मेरी बात सुनो, मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं, नहीं इस समय कोई बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टडी डेथ बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, इसकी ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। अंदर चल रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जो जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है जी? जी अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं। अंदर कहाँ लेके जाओगे, यहाँ से सीधे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज, कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। मैं तो परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ हाँ, चार लोग बैठ सकते हैं, फाइव सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी, रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हम आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताया गया? हमको तो ये जो चिन्हित माफिया और सजायाफ्ता बंदी हैं मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई और उनकी वो बात पुष्ट होती दिखाई दे रही है। प्रशासन निर्लज्ज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है और शासन और प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे गंभीर चूकें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जा रहा है, कभी खुलेआम पुलिस की अभिरक्षा में बदमाशों को खुलेआम गोली से मार दिया जाता है, कभी कचहरी में कत्ल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी का शासन पंगु है। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है क्या ये उचित है? भारतीय जनता पार्टी शासन करने में असक्षम। देखिए ये देर रात की तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से 7 से 8 घंटे की एक दूरी तय करने के बाद माफिया मुख्तार का शव उसके गाजीपुर स्थित पैतृक आवास पहुंचा, जहां आज 10 बजे माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। लेकिन उस दौरान पुलिस प्रशासन ने मोर्चा तो संभाल ही रखा है। इसके साथ ही लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखें, और इसी के साथ लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के भतीजे भी पुलिस के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस और उनके भतीजे मिलकर यही अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि लगातार लोगों की भीड़ बेकाबू हो रही है और यही वजह है कि लगातार पुलिस प्रशासन अब मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके परिवार के करीबी सदस्य से अपील भी करवा रही है। देखिए गुसल हो रहा है अभी, आप लोग जानते हैं, फिर भाई में उसमें वक्त लगता है और
डीएम की बॉडी है, इसलिए और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने के लिए उसमें फाटक की एक क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आते जनाजा, तो जैसे ही वो जो हम लोग फाटक, तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों की मदद ले रही है, क्योंकि भीड़ लगातार बेकाबू हो रही है। जैसे दो पहलू होते हैं हर एक सिक्के के, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, तो कईयों के लिए माफिया मुख्तार अंसारी एक आइडियल था, तो कई लोगों के लिए अब माफिया मुख्तार अंसारी जुर्म का एक वो नाम था जिससे लोग थर थर कांपते थे। कुछ अपनी आप बीती सुनाते हैं, कुछ ये बताते हैं किस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी ने उन पर जुर्म किया, उन पर कह ढाया, तो वही दूसरे कुछ पहलू कुछ लोग ये भी बताते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी किस तरीके से हर एक अच्छे बुरे वक्त में उनके समर्थन में खड़े रहे, और लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो माफिया मुख्तार अंसारी को करीब से देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ ना बढ़ाएं, शांति व्यवस्था कायम रहने दे। अब माफिया मुख्तार के परिवार के सदस्यों के भी पुलिस लगातार मदद ले रही है। अभी जो तस्वीरें हमने देखी वो माफिया मुख्तार अंसारी का भतीजा था जिसने लोगों के बीच पहुंचकर उनसे अपील की है कि वो शांति कायम रखें, हर एक प्रक्रिया लगातार जारी है लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखें, प्रशासन की मदद करें, तमाम ऐसी कई अपीलें की गई है। एक बार फिर से क्या कुछ अपील की गई है वो सुनते हैं। विधायक जी बता रहे हैं, देखिए गुसल हो रहा है अभी, आप लोग जानते हैं मेरे भाई में, तो उसमें वक्त लगता है, और पीएम की बॉडी है इसलिए और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने के लिए उसमें फाटक की एक क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आते जनाजा, तो जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक, कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स तैनात हुई है, लगातार तैयारियों का जायजा लेती हुई पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में LIU की भी तैनाती की गई है, तो पुलिस फोर्स के साथ सादी वर्दी में भी LIU की तैनाती हुई है। जनाजे में शामिल होने वालों पर नजर रखेगी पुलिस, तो जनाजे में जो भी शामिल होगा उस पर पुलिस लगातार नजर रखेगी। जनाजे में कई गुर्गों के होने की आशंका है, और पुलिस प्रशासन के साथ ही लगातार मोर्चा संभाले हुए LIU भी नजर रखेगा। फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार आज मुस्तैद नजर आई है। मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की आज कड़ी नजर रहेगी। तो कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन के साथ ही सादी वर्दी में LIU की भी तैनाती की जाएगी। फिलहाल 10 बजे का वो समय है जब माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज के बाद सुपुर्द खाक हो जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी। पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में LIU की तैनाती की गई है। तो जनाजे में शामिल होने वालों पर भी पुलिस प्रशासन आज कड़ी नजर रखेगी। तकरीबन 10 बजे का वो समय बताया गया है जब माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले पुलिस प्रशासन तैनात है, पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल रखा है। तो उस खबर पर लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, और रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी, एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ, तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।